कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ। बहुत जोरों की भूख लगी है तो सोच रही हूँ चलो कुछ बनाती हूँ, तो आप लोग से सोची चलो शेयर कर देती हूँ छोटा सा एक व्लॉग। तो मालपुआ का रेसिपी बहुत सिंपल सा है, तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। हेलो तो चलिए दोस्तों, बैक तो कैमरा आज मैं करके माल दिखाती पुआ और दूध पुआ बनाऊंगी। दूध पुआ हूँ। ड्राई कैसे बनाती फ्रूट्स हूँ आप लोग को खाना नहीं है दिखाऊंगी। और तो मुझे फिर ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं है, बस सिंपल सा रेसिपी बनाऊंगी जो हर कोई खा सकता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो मैं जैसे जैसे बताऊंगी आप लोग वैसे वैसे बनाना और एक बार खाना ज़रूर। और बताना आप लोग कैसा हुआ ये रेसिपी। और मेरे चैनल पे अगर नए हो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दूध पुआ बनाने का रेसिपी, पहले चीनी, चावल, आज मैं मालपुआ बना सूजी रही हूँ। यहाँ पे दूध बन रहा सबको है, दूध घोल में देना है चीनी अच्छी डाली तरह है। से, बैटर एकदम थिक बैटर बनाना है। उसके बाद तेल को मैं मीठा तेल रख दी हूँ, सरसों का तेल। और सरसों का तेल में छोटे छोटे मालपुआ को रखना है। और उसका मालपुआ जब बन जाएगा तो उसको कन्वर्ट करना है दूध पुआ में। तो आप लोग को आज मैं बताऊंगी दूध पुआ कैसे बनता है। तो ये मेरे बचपन में मेरे नानी, मेरे दादाजी लोग ऐसे दूध पुआ खाते थे। तो मैं सोची चलो आप लोग से भी मैं दूध पुआ शेयर करूं। तो इसका ये रेसिपी का नाम है दूध पुआ। पहले माल पुआ बना लेना है, उसके बाद उसको दूध पुआ में कन्वर्ट करना है। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए दोस्तों, स्किप करके ना जाइएगा आप लोग। कि दोस्तों आप लोग का सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अगर कुछ वीडियो में भूल होता होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा, मैं अपने गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए दोस्तों आप सब। अब व्लॉग कैसा लगेगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का एक कमेंट बहुत हिम्मत देता है कि चलो मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। आप लोग बिना कमेंट किए मत जाना दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग भी एक बार ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा हुआ। जब आप ये रेसिपी बनाइएगा उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा हुआ ये रेसिपी। तो ओके दोस्तों, व्लॉग में बने रहिए। दोस्तों अभी दूध पुआ हम आपको बताएंगे दूध पुआ कैसे खाया जाता है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए, दूध पुआ का रेसिपी दे रही हूँ आप लोग को। आप लोग दूध ज़्यादा भी ले सकते हो, बट मैं थोड़ा सा से ही बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के रख ली हूँ पुआ को, माल पुआ को छोटे छोटे टुकड़े में दूध में तोड़ के रख ली हूँ। आप चाहे तो मलाई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे तोड़ के रख ली हूँ, थोड़ा उसे मेल्ट होने दूंगी जब तक मेल्ट ना हो। और आप भरती दूध ज़्यादा भी ले सकते हो, बट मैं थोड़ा सा लेके आप लोग को दिखाई हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करना दोस्तों। दोस्तों मेरा रेसिपी बन के तैयार हो गया, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसा हुआ है मेरा रेसिपी। बाय बाय दोस्तों, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर।